वेलकम दोस्तों, हमें फ्रेंड ने वीडियो भेजा था, हिटाची कंपनी का एसी है, इसका एम्पियर जो है कम है, 2 टन का एसी है, एम्पियर दे सकते रहेंगे 5 से 6 एम्पियर के नियर बाई है, और इसका सक्शन प्रेशर जो रहता है, बैक प्रेशर जो रहता है ये ज्यादा है, ये हमारा 130-140 पीएसआई के नियर में है, और इसमें गैस अगर बात किया जाए तो गैस R22 है। यह इधर हमारा जो है, अगर इन्वर्टर एसी रहता था 410 गैस रहता था तो कंडीशन में अच्छा कूलिंग करता था, यह नॉर्मल गैस का स्टैंडिंग प्रेशर रहता था 410 का, बट यह R22 गैस है इसलिए इसका प्रेशर जो है सक्शन प्रेशर ज्यादा है। इस तरह से प्रेशर ज्यादा है और एम्पियर जो हमारा कम ले रहा है। 2 टन का एसी है, नॉर्मली अब इसे करेंगे 10-12 एम्पियर नियर बाई लेना चाहिए, बट इसका एम्पियर जो हमारा कम ले रहा है, तो कंडीशन में हमारा क्या इफेक्ट हो सकता रहेगा, क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, कैसे हम आईडेंटिफाई करेंगे, वन बाय वन क्या चीज चेक कर सकते रहेंगे, क्योंकि कंप्रेसर सीधा कहा जाए तो कंप्रेसर हमारा खराब है, एक तरह से बिहेवियर कर रहा है, बट कंप्रेसर जो हम चेंज करने से पहले उसके बारे में डिटेल्स में और अच्छी तरह से स्टडी कर ले, समझ लेंगे तो बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा अपने लिए भी और हमारे कस्टमर के लिए भी, क्योंकि जो भी हमारा कस्टमर का जो इसका कंप्रेसर खराब है तो मांगे आते हैं, 2-400 हजार का खेल नहीं रहता है, जिसमें ज्यादा पैसे लगते हैं, तो कभी भी इसे 100% श्योर कर ले हाँ हमारा कंप्रेसर ही खराब है या और कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि इस तरह से अगर बिहेवियर होकर रहा है ऐसी सक्शन प्रेशर ज्यादा है तो वो जरूरी नहीं है हमारा कंप्रेसर ही खराब हो सकता रहेगा, और बहुत से रीजन हो सकते रहेंगे और बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते रहेंगे। तो क्या क्या हो सकते रहेंगे, कैसे हम जानेंगे, क्या क्या फॉल्ट चेक करना चाहिए, कैसे इसे सही करें, हमारा कंप्रेसर सही में पंपिंग फेल है, अगर आपको इसके बारे में मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है, मैं हूं मरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। एयर कंडीशनर जैसा कि हम जानते हैं जो सक्शन और डिस्चार्ज प्रेशर जो रहता है, सभी गैस का कंपनी का अपना अपना आइडियल प्रेशर रहता है, अगर वो स्टैंडिंग प्रेशर से अगर कम ज्यादा हो गया, सही जो भी कंट्रोलिंग डिवाइस लगे रहते हैं वहां से अगर प्रेशर कंट्रोल होकर के नहीं जाएगा तो कंडीशन में होगा क्या, कूलिंग नहीं होगा, इनडोर में जो रहता है एसी हमारा ठंडा के लिए रहता है, ठंडा नहीं करेगा अगर हमारा गैस का प्रेशर लो या हाई कम ज्यादा होगा, जो भी स्टैंडिंग प्रेशर जो डिजाइन रहते हैं वो प्रेशर पर वर्क नहीं करेगा। तो इसी उसी तरह से इसका भी जो हमारा कंप्लेन नहीं प्रॉब्लम है, इसका प्रेशर जो है सक्शन प्रेशर ज्यादा है जिससे प्रॉब्लम हो रहा है, कूलिंग नहीं हो रहा है, बहुत कम हो रहा है या हल्का और ना के बराबर कूलिंग हो रहा है। तो अभी हम इसमें चेक करने की कोशिश करेंगे क्या क्या चीज प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्या चीज हमें चेक करना चाहिए, समझेंगे वन बाय वन। अगर इस तरह से अगर बिहेवियर कर रहा है, अगर कंप्रेसर हमारा बाईपास हो रहा है, इसका कारण सक्शन प्रेशर जो हमारा सक्शन प्रेशर जो हमारा प्रेशर हाई हो रहा है, कभी भी हम लोग जानते हैं जो सक्शन प्रेशर रहता है ये कम होता है डिस्चार्ज प्रेशर प्रेशर की अपेक्षा, कैसे कम हो जाता है, क्योंकि स्प्लिट एसी है या नॉर्मल कोई सा भी एसी है, आउटडोर में उसमें कंट्रोलिंग डिवाइस लगे रहते हैं, एक्सपेंशन डिवाइस लगे रहते हैं, यानी कि बड़े एसी है जिसमें एक्सपेंशन वाल लगा रहता है, छोटे एसी हैं तो उसमें कैपिलरी ट्यूब लगा रहता है, कैपिलरी ट्यूब का काम आपको मालूम रहेगा क्या है, ये क्या करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर लो टेम्परेचर में कन्वर्ट कर देता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कन्वर्ट करता है, यानी कि प्रेशर को बहाव को एक कंट्रोल कर देता है, कम कर देता है, जब कैपिलरी ट्यूब के आगे, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब का जो अंदर का डायर रहता है बहुत बारीक रहता है, पतला रहता है, तो वहां से प्रेशर जो निकलता है वो कम निकलता है। एग्जांपल अगर R22 है तो इसका प्रेशर हम अगर डिस्चार्ज में नॉर्मल इसमें कंडीशन में गैस डाल रहे हैं अगर हमारा 260 PSI रहेगा तो वो कंडीशन में सक्शन जो रहेगा हमारा 60 PSI के नियर बाई रहेगा, इसमें से 5-10% कम ज्यादा हो सकता रहेगा एम्बिएंट टेम्परेचर के हिसाब से या फिर गर्मी के हिसाब से। तो नॉर्मल एग्जाम्पल हमारा अगर 260 है डिस्चार्ज तो सक्शन हमारा 60 होना चाहिए। अगर हमारा स्प्लिट एसी है तो उसमें क्या होता है, लिक्विड प्रेशर रहता है, लिक्विड प्रेशर चेक करेंगे तो आपका इसमें 260-250 नहीं देखने को मिलेगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा 150 या 160-165 के PSI में नियर बाई होगा, 150-40 के PSI में, यानी 140 और 160 के PSI नियर बाई जो स्प्लिट एसी रहता है उसका लिक्विड प्रेशर रहता है, और सक्शन प्रेशर जो रहता है ये हमारा रहेगा 60 PSI नियर बाई रहेगा। बट ये सक्शन प्रेशर ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा हो रहा है तो कैसे हो सकता रहेगा, जो हमारा कैपिलरी ट्यूब है यहां से तो गैस ज्यादा पास नहीं कर रहा है,
अगर कोई भी कारण से अगर कैपिलरी ट्यूब जो फेल हो गया, यहाँ से गैस ज्यादा पास करेगा, तब जाके ही हमारा सक्शन प्रेशर में, नॉर्मली जो है सक्शन प्रेशर में गैस ज्यादा शो करेगा, सक्शन गैस जो है ज्यादा शो करेगा। मगर कैपिलरी ट्यूब है यहाँ से कोई चांस नहीं रहता है जो गैस ज्यादा पास करे, क्योंकि इसका जो डायर रहता है फिक्स रहता है, प्रेशर जो रहता है फिक्स रहता है। तो हमारा कैसे कम हो गया, कम होने का मेन रीजन नहीं हो जाता है हमारा कंप्रेसर का इंटरनली जो पंपिंग करता है, पंपिंग का फेल होना। अगर हमारा कंप्रेसर पंपिंग फेल हो जाता है तो उसके अंदर जो मैकेनिकल पार्ट रहते हैं वो बाईपास हो जाते हैं, बाईपास भी जो उसमें ड्रम ड्रम वगैरह आता है, पंपिंग रहता है, मैकेनिकल पार्ट घिस जाते हैं, क्रेक हो गए, टूट गए, तो गैस जो हमारा डिस्चार्ज प्रेशर में जो जाना चाहिए, डिस्चार्ज प्रेशर में ज्यादा प्रेशर रहता है जाता है, वो प्रेशर क्या होता है थोड़ा हमारा निकल करके सक्शन वाले साइड में आ जाता है, सक्शन वाले साइड में आ जाएगा तो इसका प्रेशर हमारा ज्यादा शो करेगा। तो कंडीशन में सक्शन प्रेशर आ रहा है तो सक्शन साइड से भी हमारा इवेपोरेटर में गैस ज्यादा चला जाएगा, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब जो रहता है वहां से प्रेशर तो कम हो रहा है, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, वहां से कम हो रहा है, यहाँ से प्रेशर बैक प्रेशर हमारा आ जाएगा, पीछे से प्रेशर ज्यादा इवेपोरेटर में आ जाएगा, यानी गर्म गैस जो रहता है इवेपोरेटर में आ जाएगा, जिससे कूलिंग नहीं करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो फर्स्ट हमारा हो जाता है कंप्रेसर का पंपिंग फेल्योर, मैकेनिकल पार्ट होता है खराब होने की वजह से ही हमारा ये होता है। तो और भी क्या हो सकता रहेगा प्रेशर ज्यादा बढ़ने का, इसमें कई बार हम गैस चार्जिंग करते हैं, गैस चार्जिंग करते टाइम में क्या होता है इसका सही प्रॉपर हमने गैस चार्जिंग किया, इसमें बाहर का हवा वगैरह आ गया, मॉइस्चर वगैरह वैक्यूम नहीं किया है, तभी भी स्टोर से प्रॉब्लम हो सकता रहेगा। अगर एसी को हम वैक्यूम नहीं करेंगे, गैस चार्ज कर दिए तो सही से इसको केयर नहीं करे, तो टाइम में क्या होता है इसका प्रेशर जो रहता है ज्यादा शो करेगा, कूलिंग नहीं करेगा। एक चीज और, आपने कई बार बहुत से लोग रहते हैं डरते हैं लिक्विड नहीं डालते हैं, कभी भी आपका गैस जीरो है, गैस नहीं है, वैक्यूम किया है, तो कंडीशन में आप इसमें लिक्विड जरूर डालें। अगर लिक्विड नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ हवा ही डाल देंगे, तो टाइम में क्या होगा, सिर्फ हवा अंदर जाएगा, जो मेन हमारा लिक्विड रहता है गैस रहता है वो पूरा 100% नहीं जाएगा, जिससे कूलिंग प्रॉपर नहीं होगा, प्रेशर जो आपका ज्यादा इशू करेगा और कूलिंग भी नहीं होगा। तो कंडीशन में क्या करना चाहिए हमें, गैस को पूरा निकाल करके अच्छी तरह से जीरो करके वैक्यूम करके अच्छी तरह से वापस इसमें लिक्विड चार्ज करेंगे, कुछ परसेंट लिक्विड चार्ज करके ही इसमें चलाएंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर ये सब सही किया हुआ है, वैक्यूम किया हुआ है, उसका और भी जनता हमारा कंडेंसर का जो स्पीड रहता है, कंडेंसर फैन का स्पीड कम होना, या फिर कंडेंसर क्वाइल गंदा होना, कंडेंसर क्वाइल जो रहता है गंदा रहेगा, डस्टी रहेगा, तभी भी प्रॉब्लम हो सकता है, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। कंडेंसर फैन का जो रहता है स्पीड जो रहता है अगर भी वीक रहेगा, स्लो रहेगा, तभी भी क्या होगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सक्शन जो डिस्चार्ज प्रेशर रहता है वहां से गैस ज्यादा बन रहा है, जो कंडेंसर है, कंडेंसर प्रेशर ज्यादा हो रहा है, गैस ज्यादा हो रहा है, प्रेशर यानी कि गैस तो नहीं रहता है, बस इसका जो टेम्परेचर रहता है हीट रहता है। कंडेंसर क्या करता है, गैस को हीट को निकालता है, जो एम्बिएंट टेम्परेचर रहता है बाहर हवा रहता है उसे खींच करके थ्रो करके कंप्रेसर का प्रेशर को कम करता है, कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, इसे टेम्परेचर कंट्रोल करता है तो प्रेशर भी कंट्रोल हो जाता है, प्रेशर कम हो जाएगा तो उस हिसाब से हमारे इवेपोरेटर में कम जाता है। अगर हमारा टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो रहा है कंडेंसर का, उसका हीट नहीं निकल रहा है, तो टाइम में क्या होगा, प्रेशर ज्यादा ही रहेगा, वो प्रेशर क्या होगा इवेपोरेटर में भी ज्यादा जाएगा, ज्यादा जाएगा सक्शन लाइन में भी हमारा ज्यादा ही आएगा, शो करेगा। तो चीज है मेन, हमारा सर्विस होना चाहिए प्रॉपर सर्विस, और कंडेंसर फैन का स्पीड जो है फास्ट होना चाहिए, ये चीज आप चेक कर सकते रहेंगे। बट इस तरह से प्रॉब्लम है, एसी का भी जो हम वीडियो देख रहे हैं इसका भी प्रॉब्लम वही है, कंप्रेसर खराब हो गया है, कंप्रेसर खराब होने की वजह से ही हो रहा है। उसके बाद एक और चीज है, इसे कंफर्म करने के लिए, चेक करने के लिए हमारा कोई डिवाइस, कंट्रोलिंग डिवाइस सही है या सिस्टम हमारा सही वर्क कर रहा है, फैन स्पीड वगैरह सही है, कंडेंसर क्लीन है, सब कुछ सही है, उसके बाद अब क्या कर सकते रहेंगे, इसे फाइनल चेक करने के लिए कंप्रेसर का पंपिंग सही है या नहीं है। इसे अभी तरीका है गैस का पंप डाउन करें, अगर आप पंप डाउन करेंगे कंप्रेसर का पंपिंग जो रहता है सही रहेगा, तो कंडीशन में कंप्रेसर जो हमारा सिस्टम पंप डाउन नहीं होगा, गैस जो हमारा रिकवर नहीं होगा। रिकवर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट जो हमारा लिक्विड लाइन का प्रेशर रहता है, डिस्चार्ज प्रेशर रहता है, उस वाल्व को हम बंद कर देंगे, फुल बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। एसी हम चालू करेंगे तो क्या होगा, डिस्चार्ज तो नहीं करेगा, इवेपोरेटर में गैस नहीं जाएगा, और इवेपोरेटर साइड में जो गैस रहेगा वो हमारा खींच करके कंडेंसर में रिस्टोर करता है। अगर हमारा पंपिंग सही रहेगा तो पसक करेगा, खींचेगा,
अगर हमारा कंप्रेसर खराब रहेगा, उसका पंपिंग फेलियर रहेगा, तो क्या होगा, ये हमारा उसका इतना पावर ताकत नहीं रहेगा जो पूरा गैस को खींच करके रिस्टोर कर सके। तो टाइम भी आप 100% हो सकते रहेंगे, आपका कंप्रेसर का पंपिंग फेल है, मैकेनिकल पार्ट जो उसका डैमेज हो चुका है, खराब हो चुका है, तो कंडीशन में आप इसे चेंज करना ही पड़ेगा, इसे या रिपेयर कराना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से आइडिया से लगा करके आप इसे 100% श्योर कर सकते रहेंगे कंप्रेसर का पंपिंग सही है या खराब है, उसे भी सही करना है। इस तरह से भी कुछ डाउट है तो आप क्या कर सकते रहेंगे, सक्शन और डिस्चार्ज पाइप रहता है उसे कट करेंगे, निकालेंगे, उसमें आप एक्सेस वाल लगाएंगे, थोड़ा पाइप को मॉडिफिकेशन करके डायरेक्ट जो है आप इसको चालू करके डिस्चार्ज प्रेशर चेक करेंगे। डिस्चार्ज प्रेशर आपका 450 PSI के नियर बाय शो करना चाहिए, नियर बाय कम से कम आपका 350 PSI के प्लस होना चाहिए। अगर ज्यादा रहेगा तब जाके आप समझ सकते रहेंगे कंप्रेसर आपका सही है, नहीं तो आपका 100% कंप्रेसर खराब है, इसे रिपेयर चेंज करना होगा। तो ऐसा करता हूं आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा। इसी तरह से और जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने में जो बेल आता है, ऑल नोटिफिकेशन आता है उसे ऑन जरूर करें। अगर आप कंप्रेसर, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन का कोई सा भी स्पेयर पार्ट खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, विजिट करके बाय कर सकते रहेंगे, बहुत से स्पेयर पार्ट का ऑफर चल रहा है। ये वीडियो आप व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, सोशल मीडिया पर शेयर करें, जो लोग कोर्सेस कर रहे हैं ये फील्ड में आना चाहते हैं उन लोग पास, नए टेक्निशियन लोग पास पहुंचाएं, वो लोग भी जान सके, समझ सके, इस तरह से टिप्स और ट्रिक्स दे सके, समझ सके, जान सके। आप भी नए लोग का हेल्प जरूर करें। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।